वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस ऑनलाइन क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे वही घात एवं घातांक यानी कि पावर एंड इंडेक्स से रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। और आपका अगर अभी रेलवे के एग्जाम है तो वहाँ के सारे क्वेश्चन मैं पूछे हुए क्वेश्चन को लाया हूँ और एक यूनिक वे में बताने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी, क्योंकि इस चैप्टर में ट्रिक तो ज़्यादा नहीं होता है लेकिन एक कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा कैसे आप इसको शॉर्ट वे में बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं घात एवं घातांक से रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपने सगीर अहमद बुक का क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, अगर करना चाहते हैं अच्छे ढंग से तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ इंडिसेस एंड सर्ट्स का। सर्ट्स की बात करें, अगर करने की बात करें तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन में आपको जो पूछे गए हैं रेलवे में उसकी बाद में क्लास होगी और बेसिक से स्टार्ट करूँगा इसे कि को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं आसानी से, यानी कि करने के नियम को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, देखते हैं कि पावर यानी कि घात और घातांक यानी कि इंडिसेस या इंडेक्स ये भी बोल सकते हैं उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में रेलवे का। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो आप आसानी से बना सकते हैं क्योंकि मैं आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुका हूं। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यानी कि 2 पर पावर x + 6 है, 2 पर पावर x + 6 है और इक्वल टू दे दिया है आपको 8 पर पावर x + 1, ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है वो तो x का मान क्या होगा, x इक्वल टू वाट, यही मतलब हो गया इसका। अब देखो ये रेलवे का एग्जाम में पूछा गया है, RRB चेन्नई का है, RRB चेन्नई TC का है 2005 का। अब समझो यहाँ पे 2 पर पावर x + 6 है तो हमको देखो जब भी यहाँ 2 दिया रहे आपको इस 8 को भी इसी 2 के रूप में लिखना पड़ेगा, और कैसे यानी कि पावर के रूप में लिखना होगा। तो हमको क्या करना है, 2 पर पावर x + 6 लिख लिए बराबर, इसको 2 पर पावर अगर हम 3 लिखें, 2 का क्यूब लिखें तो 8 होता है ना, 2 पर पावर अगर 3 करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 4 4 गुना 8 हो रहा है ना। तो हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और ये जो x + 1 है हम इसको क्या करेंगे, इसके साथ भी गुना और इसके साथ भी गुना कर देंगे। तो 2 पर पावर x + 6 बराबर 2 पर पावर 3x + 3। अब देखो जब आधार बराबर हो जाए, ठीक है, तो आप पावर को बराबर कर लो, x प्लस सिक्स बराबर 3x + 3। अब देख लो ध्यान से, x और 3x में घट जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 2x, 6 में 3 जाएगा क्या बचेगा 3, तो x बराबर क्या होगा 3/2 आंसर हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं समझ रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं इस 3x वाले टर्म को इस पार ला रहे हैं। अगर आप इस तरह सोचेंगे यहाँ पे, अगर नहीं समझे तो देखिए दोनों तरफ पॉजिटिव रहे तो आप आसानी से घटा लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो x - 3x लिखिए क्योंकि इसको बराबर किस पार ला रहे हैं, और बराबर 3 है उसको उस पर लीजिए -6। तो देखो यहाँ पे -2x बचेगा और यहाँ पे -3 बचेगा, ठीक है, -- कट जाएगा तो x बराबर क्या बचेगा 3/2 आंसर होगा, और इसका 3/2 कितने नंबर आंसर है आपका, तो 1 नंबर आंसर है। इस तरह से बना सकते हैं आप। देखिए अगर इसी को शॉर्ट करेंगे, इतना अगर हमको नहीं करना है तो कैसे करेंगे एग्जामिनेशन हॉल में, कैसे सोचेंगे। तो आपको यहीं पर सोचना होगा कि 2 पर पावर x + 6 अगर लिखा गया है तो हमको इसको कैसे लिखना होगा, 2 पर पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 पर पावर 3 यानी कि 3x हो जाएगा 2 पर और +3 हो जाएगा। आपको डायरेक्ट गुणा करते हुए चलना है और क्या करना है, यहीं पे घटा लेना है। देखो जब भी आधार बराबर हो तो पावर हमारा बराबर होता है, ठीक है। अगर a^m रहे और बराबर a^n रहे तो हम बोल सकते हैं m = n, ठीक है। अगर ये हमारा बराबर है आधार तो हमारा पावर भी बराबर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x + 6 और 3x + 3 में क्या करेंगे, एक्स और एक्स को घटा लेंगे, यानी कि बराबर के अगर दोनों तरफ पॉजिटिव रहे तो डायरेक्ट आप घटाने की सोचना, 3x में 1x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और 6 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा 3, x बराबर क्या होगा 3/2। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, माइंड में यूज कीजिए, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जल्दी बनता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर क्या कहता है। देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं। क्या कहता है, 2 पर पावर x + दिया हुआ है आपका 6, यही ना, 2 पर पावर 2x दिया है, सॉरी 2 पर पावर 2x दिया और बराबर दिया है 256, ठीक। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर अगर 2x दे दिया है और बराबर 256 दिया है तो x की वैल्यू मांग रहा है,
आप क्या करेंगे, सबसे पहले इस 256 को 2 के पावर में लिखने की सोचेंगे, ठीक है। और 256 को अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे तो ये 8 टाइम यानी कि 2 पर पावर 8 बराबर 256 होता है, ठीक है। ये मुझे पता था तो हम कर ले, लेकिन अगर आपको पता नहीं होगा तो आप क्या करना, इसको भाग देना, 2 से 2 एक कम 2, 2 दुना 4, 2 अठे 16, फिर 2 से देना 6 दुना 12, 4 दुना 8, फिर 2 से 3 दू 32 दुना 64, 2 से 16 दुना 32, 2 से 8 दुना 16, 2 से 4 दुना 8, 2 से 2। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 256 को, तो वही करना है 2 पर पावर 2 पर पावर x बराबर है 2 पर पावर 8, ठीक है। ऐसा लिखने के बाद आपको थोड़ा सा क्या सोचना होगा, इस 8 को कैसे लिखें 2 पर पावर में, ठीक। तो 2 बराबर 2 पर पावर, अब देखो 8 को कैसे, अब फिर 8 को अगर आप देखो 2 का क्यों 8 होता है, लेकिन अगर 8 को आप अभाज्य गुणनखंड करते हो तो क्या लिखेंगे, 4 और 2 से 2, तो कितने टाइम 3 टाइम, तो 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं 8, ठीक। और ये तो आपको याद ही होगा। अब देखो यहाँ पर 2 पावर 2x था, अब क्या बोले थे, अगर आधार सेम रहे तो हमारा क्या होता है, दोनों पावर हमारा बराबर होता है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, x बराबर मेरा क्या निकला, 3 निकला ना, पावर इसका पावर, ये दोनों पावर पे पावर था, तो x बराबर हमको 3 इसका आंसर ले लेना होगा, और आसानी से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। कहीं कुछ नहीं था, अगर आपको दिक्कत अभी भी हो रहा है तो आप इसको इस तरह से बराबर कर सको, 2 पावर x बराबर 2 पर पावर 3, तो देखो फिर आधार बराबर हुआ तो x बराबर क्या हो गया आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए दो नंबर हो गया, तीन नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस नहीं रखते तो आसानी से नहीं बना सकते, लेकिन क्वेश्चन आसान है। कैसे बनाएंगे, कहता है कि समीकरण 3 पर पावर x दिया है, तो देखो 3 पर पावर x दे दिया और फिर आपको क्या दिया है, माइनस दिया है, और 2 इंटू दिया है 3 पर पावर x प्लस 2 दिया है और प्लस 51 बराबर 0, ये क्वेश्चन है आपका। अगर इस तरह का क्वेश्चन रहे तो कैसे बनाएंगे, अब यहाँ पे सबसे पहली बात स्टूडेंट क्या करता है, जो पहली पहली बार बहुत मतलब कि स्टार्टिंग जिसका तैयारी रहता है, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है तो उसको 2.3 समझता है, ये कभी भी इसको पॉइंट नहीं समझना, घातांक वंकरण में पॉइंट की बात नहीं होती है ज्यादा, इसको इंटू समझना यानी कि गुना समझना, ठीक है। अब देख लो ध्यान से इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम अगर थोड़ा सा अगर इसको मॉडिफाई करें तो देखो 3 पर पावर x लिख दिए और माइनस 2 इंटू को गुना लगा दो। अब देखो ये 3 पर पावर x प्लस 2 है, हम आपको सूत्र बताए थे 3 पर पावर x प्लस 2 को क्या बताए थे, 3 पर पावर x और गुना 3 पर पावर 2, अगर ऐसा लिखते हैं तो हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 पर पावर x और गुना 3 पर पावर 2, ठीक है, और प्लस 51 बराबर 0, ठीक। अब ध्यान से देखो हमको क्या निकालना था, हमको x की वैल्यू निकालना है, कहता है x का मान, तो हम क्या करते हैं, x तो यहाँ पे है ना, हम मान लेते हैं कि मान लेते हैं, माना 3 पर पावर x को कुछ भी मान लो, a मान लो, ठीक है, x नहीं मानना क्योंकि x में तो ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको अगर a मान लें और माइनस कर दें, अब देखो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 9 दोनों 18 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 पर पावर x को a माने हैं तो माइनस 18 ही लिख सकते हैं और प्लस 51 बराबर 0। अब देखो हमको a की वैल्यू अभी निकालेंगे तो अपने x की वैल्यू फिर निकलेगा, तो हम क्या करेंगे, a माइनस 18 करेंगे तो क्या होगा, माइनस 17 a हो जाएगा और बराबर 51 को उस पार भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 51 होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो ए बराबर क्या होगा, 17 3 51, एक का वैल्यू 3 आया, इधर उधर कटा सकते हो। अब ध्यान देखो इसको माने हो ना, 3 पर पावर एक्स बराबर ए माने हो, तो हम क्या करते हैं, 3 पर पावर एक्स को यानी कि 3 पर पावर x बराबर a की जगह पे 3 रख देते हैं, ठीक है, a की जगह पे 3 वैल्यू रख दिए। अब देख लो बराबर अगर आधार समान हो तो पावर भी बराबर होता है, तो x बराबर क्या वैल्यू आया, x बराबर आपका 1 वैल्यू आया, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते थे, क्वेश्चन में जान नहीं था, देखो हम प्रोसेस से किए तो इतना समय लगा, अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड से करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, ठीक है। तो चलिए 3 नंबर तो हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा क्या करना होगा, इसके लिए पैटर्न को समझना होगा कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। कहता है कि 2 पर पावर a प्लस दिया है 3 पर पावर b बराबर आपको दे दिया है मान 17, ठीक है, अगर ये दिया हो और अगला टर्म देख लो क्या दिया है, ठीक है, अगला टर्म दिया है 2 पर पावर, मैं इधर लिखता हूँ इसको 2 पर पावर a प्लस 2, a प्लस 2, और फिर दिया है माइनस दिया है 3 पर पावर b प्लस 1, ठीक है, और बराबर 5 दे दिया, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये तो हमारा शॉर्ट वे में है, लेकिन 2 पर पावर a और 3 पर पावर b दिया है, हम क्या करते हैं इसको जो है ना x मान लेते हैं, ठीक, और इसको भी इसको y मान लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं x प्लस y बराबर 17, ठीक है,
हम इसको x और इसको y मान लिए, माना, ठीक है, समझिएगा बात को। अब समझो ये वाला टर्म को भी इसी तरह से हम करेंगे, ठीक है। तो देखो प्लस में रहता है तो वो क्या होता है, गुना में बदलता है। तो दो पर पावर a गुना दो पर पावर दो लिख सकते हैं, क्योंकि सूत्र हमारा क्या कहता है, सूत्र कहता है कि a टू दी पावर m गुना a टू दी पावर n बराबर a टू दी पावर m प्लस n, ऐसा कहता है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, और वैसा लिख दिए, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, तीन पर पावर b प्लस वन को लिख सकते हैं, तीन पर पावर b गुना तीन पर पावर एक और बराबर पाँच, ऐसा तो लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं तो अब ध्यान से देखो क्या कहता है, अब कहता है कि हम इसको x और y माने हैं ना, तो देखो दो का स्क्वायर चार हो जाएगा, तो यानी कि इसको तो x माने, इसको क्या माने हम x, तो लिख सकते हैं 4x और माइनस इसको y माने हैं, तीन पे पावर y को b, y माने हैं तीन पे पावर b को, तो देखो इसको y कर लो और तीन तिया नौ कर लो, तीन पे पावर वन है तो तीन y कर दो इसको, ठीक है, और बराबर पाँच लिख दो, और इसको समीकरण दो मान लो और इसको समीकरण एक मान लो। अब क्या करो, समीकरण एक और दो को हल कर दो, आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखना क्या करते हैं, x प्लस वाई बराबर 17 लिखते हैं और 4x माइनस 3y बराबर हम क्या करते हैं 5 लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से देखो हमारा बराबर टर्म तो नहीं है, इसको समीकरण एक और इसको समीकरण दो, तो हम क्या करते हैं y वाले टर्म को बराबर करते हैं, इसको गुना 3 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 1 है, इसको गुना 1 करते हैं तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 3y और बराबर 17 51 और 4x माइनस 3y बराबर 5। अब ध्यान देखो प्लस माइनस में ऑलरेडी ये तो कट जाएगा और 4 और 3 7x हो जाएगा और 51 और 5 कितना हो जाएगा 56, तो 7 8 कितना हो गया 56, x की वैल्यू 8 आ गया। और y की वैल्यू निकालना है तो हमको क्या करना है, x की वैल्यू को यहाँ रखना है इस पर समीकरण एक में, अगर समीकरण एक में रखते हैं तो ध्यान देखो तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 17 माइनस 8, यहाँ पे अगर हम 8 रख रहे थे तो 8 उस पार जा रहा है तो माइनस हो रहा है, ठीक है, तो 17 में 8 जगह कितना बचेगा मेरा 9, तो इसका मतलब x बराबर 8 आया और y बराबर 9 आया, आ गया। अब क्या करेंगे, जो माने हैं ना 2 पर पावर a को माने हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं, यानी कि x माने हैं इसको, तो लिख सकते हैं 2 पर पावर a बराबर x की वैल्यू 8, ठीक है, और इस 8 का आधार बराबर करना पड़ेगा हमको, ठीक है, यानी कि 2 पर पावर a बराबर 2 पर पावर 3 लिख सकते हैं, यानी कि a बराबर मेरा 3 निकला। उसी तरह से अब हम वो 3 पर पावर b बराबर y की वैल्यू क्या निकला है मेरा 9 लिख रहा है, 9 लिख देंगे और क्योंकि पावर में है तो उसको दोनों को उसी तरह कर देंगे, 3 का स्क्वायर कर देंगे और b बराबर मेरा क्या आया 2 आया, तो आंसर हो जाएगा 3 और 2 आंसर, ठीक है, और 3 और 2 कितना नंबर, b नंबर आंसर है। तो देखो थोड़ा सा आपका प्रोसेस है, लेकिन अगर आप बनाने जानते हो तो आप इजी वे में इसको जल्दीबाजी में माइंड से बना सकते हो। तो चलिए 4 नंबर के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं, जस्ट वही रूल पे क्वेश्चन पूछा गया है। समीकरण बोला है 4 पर पावर x, ठीक है, माइनस दिया हुआ है 3 इंटू, ये पॉइंट नहीं है याद रखिएगा, 2 पर पावर x प्लस 2 ये दिया हुआ है और फिर प्लस दिया है 32 बराबर 0 ये दिया है। तो अब देख लो ध्यान से, अगर यहाँ पे गुना है तो इसका रूल आपको तो थोड़ा सा इसको क्या करना, मॉडिफाई करना है, तो क्या करते हैं देखो इसको भी करते हैं 2 पर पावर 2 कर देते हैं, यहाँ x लिख देते हैं, ठीक है, और माइनस लिख देते हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और x तो 4x, यानी कि इसके साथ रहेगा x, और ये वाला जो हो जाएगा 3 गुना लिख देते हैं और इसको पूरे को गुना बदल दो 2 पर पावर x और गुना 2 पर पावर 2, ठीक है, और प्लस 32 लिखते हैं बराबर 0। अब यहाँ पर जब आ जाए तो अभी क्या बताए थे, जब भी इस तरह का आए तो इसको क्या करना, कोशिश करना आप द्विघात समीकरण में ले जाने का, क्योंकि जब भी मान दिया रहे 2 तो हम समझेंगे कि इसका मान, यानी कि द्विघात समीकरण क्वाड्रिक इक्वेशन में इसको ले जाके हम बना सकते हैं। तो ध्यान देखो हम क्या करते हैं, 2 पर पावर x को जो है ना कुछ मान लेते हैं, यानी कि a मानते हैं, a माना, ठीक है। अब देख लो ध्यान से, 2 पर पावर यहाँ x है और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 तिया 12, 12 a हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 2 पर 2x है ना, हम थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं, यहाँ पे 2 पर पावर अगर हम
एक्स को और टू ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, इंटू देखे इंटू है तो टू पर पावर एक्स अगर क्या माने हैं, ए माने हैं, तो हम इसको ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इतना पार्ट को आप अगर ए माने हो तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस दो का स्क्वायर चार, चार थी या बारह, यानी कि बारह और ये हो जाएगा आपका ए, और ये प्लस 32 बराबर जीरो, ठीक है। अब यहां से आपका आंसर देगा, ध्यान से देखो, आपको 32 से क्या करना है, 12 जोड़ के या घटा के लाना है, क्योंकि 32 यहाँ एक है तो 32 से कम 32 जोड़ के या घटा के 12 ए लाना है, तो 8 चौक 32 होता है और 8 चार 12 होता है, तो हम लिख सकते हैं 8 का ए का स्क्वायर माइनस 8 ए माइनस 4 ए प्लस 32 बराबर जीरो। अब जिसको समझ में ना आए, 32 का अभाज्य गुणनखंड करना, 2 से 16 दुना 32, फिर 2 से 8 दुना 16, फिर 2 से 4 दुना 8, फिर 2 से 2 दुना 4, और यहाँ से आप मॉडिफाई करना इसको, 12 कैसे लाएंगे, 2 दुना 4, 4 दुना 8, 2 दुना 4, 8 4 12, ठीक है, इस तरह से कर लेना। अब देखो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और 8 चौक 32 ए गुना ए, 32 ए स्क्वायर प्लस में हो रहा है, और जोड़ के हमारा 12 ए पूर रहा है, 8 4 12 माइनस 12 ए। अब क्या करो, इससे कॉमन ले लो, तो ए कॉमन हो जाएगा, ए माइनस 8 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से कॉमन 4 ले लो, तो ये हो जाएगा ए माइनस 4 8 32 बराबर जीरो। अब क्या करो, a माइनस 4 बराबर जीरो और a माइनस 8 बराबर जीरो, तो a बराबर क्या हो गया 4 और a बराबर इधर 8 बराबर कुछ पड़ जाएगा, तो हमारा 4 और 8 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4 और 8 है आंसर हमारा, तो कितना नंबर हो जाएगा, तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। तो काफी आसान क्वेश्चन था, बस आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस रखना होगा और जल्दी जल्दी काम करना होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 6, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन देखने से तो डर लगता है, लेकिन अगर आप एक बार प्रैक्टिस रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। क्या लिखा है, 3x प्लस वाई बराबर 81 दिया हुआ है, ठीक है, और दिया है यहाँ पे, और उधर लिखा है 81 पर पावर दिया है x माइनस वाई बाय 4 दिया है, और इक्वल टू आपका दिया है 3, ठीक, ये क्वेश्चन है। ध्यान से देख लो, हमको क्या करना है, दोनों के आधार को बराबर करना है, तभी तो मैक्स और वाई का कुछ वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, और लास्ट मैक्स और वाई बोला है, तो हम क्या करते हैं, 3 पर पावर एक्स प्लस वाई और बराबर 3 पर पावर अगर हम 4 रखते हैं तो 81 होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पिछला टोटल क्वेश्चन आप देखे हुए हैं, इसलिए इस तरह हम तुरंत तुरंत कर रहे हैं। अगर आपको ये जरूरी है समझना यहाँ पे, तो आप 81 को क्या करेंगे, 3 से अगर भाग लगाएंगे तो कितने बार में 81 होगा, ठीक है, तो 27 तिया 81 हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे, 3 नंबर 27, फिर 3 तिया 9, अब देखो 4 टाइम आया ना, तो 3 पे पावर 4, इस तरह से आप समझ सकते हैं जिसका बेस कमजोर है। और यहाँ पर क्या करेंगे, इस 81 को भी उसी तरह लिखिए, 3 पर पावर 4 और यहाँ पे हो जाएगा गुना एक्स माइनस वाई बाय 4 बराबर 3। अब ध्यान देखो, ये 4 कट गया, ठीक है, और ये जब आधार बराबर होता है तो पावर बराबर होता है, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4, और यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे 3 पर पावर 1 है, याद रखना, ऐसा नहीं करना, गलती से क्या करते हैं स्टूडेंट, एक्स माइनस वाई बराबर 3 ले लेता है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 1, पावर 1 ले लिए। अब देख लो, ये समीकरण 1 हो गया और ये मेरा समीकरण 2 हो गया, दोनों समीकरण को एक साथ रखते हैं, यहीं पे रख देते हैं, x माइनस y बराबर 1, समीकरण 2, y y कट जाएगा तो क्या होगा, 2x बराबर 4 1 5, तो x बराबर क्या हो गया 5/2। अब देखो 5/2 कौन सा ऑप्शन में है, अगर एक ही ऑप्शन में है तो सी नंबर हमारा आ रहा है आंसर, तो इतना में आ गया, एग्जामिनेशन में इतने में आंसर ला के रख देंगे, अब टिक मार देंगे। लेकिन अगर हमको दोनों निकालना है तो x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, वाई बराबर 4 माइनस 5/2, यानी कि इसके नीचे 1 है, एलसीएम 2 होगा, 1 से 2 को भाग, 2 4 दुना 8 माइनस 2 माइनस 5, तो 5 में 8 में 5 जाएगा 3/2 आंसर हो जाएगा, यानी कि 5/2 और 3/2 आंसर हो जाएगा, ये अभी आंसर हो गया, ये आंसर हो गया, तो आंसर सी नंबर हो गया। तो क्वेश्चन में जान नहीं है, अगर आप इस तरह के क्वेश्चन पे थोड़ा सा प्रैक्टिस रखते हैं तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी इस तरह के क्वेश्चन पे नहीं बना पाओगे। ए पर पावर एक्स लिखा है बराबर बी दे दिया है, उसके बाद बी पर पावर वाई बराबर आपका सी दे दिया है, और एवं बोला है सी पर पावर जेड बराबर ए दिया है, ठीक है, और हमसे मांग रहा है एक्स वाई जेड इक्वल टू व्हाट, ये मांग रहा है। तो देखो एक्स वाई जेड अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना क्या करते हैं हम, अगर हम समझो, अगर b पर पावर, देखो हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि b बराबर a पर पावर x, उल्टा करके लिख रहे हैं, ठीक है, तो b के बराबर क्या, a पर पावर x है ना, तो हम क्या करते हैं b के जगह पे a पर पावर x रख देते हैं, यानी कि इस b के जगह पे यहाँ पे रख रहे हैं, यानी कि समझिएगा
ए पर पावर एक्स पर पावर वाई बराबर सी। क्या किए हम, बी का मान को रखे ए पर पावर एक्स बी के जगह पे, यानी कि बी के जगह पे रख दिए ए पर पावर एक्स पर पावर वाई, क्योंकि बी बराबर ए पर पावर एक्स है। अब देख लो ध्यान से, अब ए के बराबर है कितना, सी पर पावर जेड, और ए यहां पर है ना हमारा, ठीक है। तो ए के जगह पे हम लिख देते हैं सी पर पावर जेड, ऐसा लिख सकते हैं, ए के बराबर वो चीज है, और पर पावर एक्स है और पर पावर आपका वाई है, और बराबर लिख देते हैं सी। अब ध्यान से देखो, सी पर पावर जेड एक्स वाई, तो हम बताए थे एम पर पावर अगर एन रहता है तो एम गुना एन होता है ना, अगर मान लीजिए यहाँ पे और रहता है जेड तो तीनों गुना हो जाएगा। तो सी पर पावर एक्स वाई जेड बराबर सी पर पावर वन, तो एक्स वाई जेड बराबर क्या माना जाएगा, वन माना जाएगा आपका आंसर, क्योंकि जब आधार बराबर हो तो पावर भी बराबर होता है, ठीक है। तो आंसर वन हो गया। इजी क्वेश्चन था आपको, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पे दिमाग लगाना है, प्रैक्टिस रखना है, और एक बार बना के गुजर जाओगे तो एग्जाम में आएगा तो बन ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हैं, तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बस देखने भर का है, लगता है कि क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन देखो कैसे बनाओगे। 7 पे पावर लिखा है एक्स माइनस 3 बटा 4, ठीक है, और फिर बराबर दे दिया आपका 7 लिखा हुआ है, और फिर लिखा है 7 पर पावर दिया है 2, और फिर दिया है 1 माइनस एक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देख लो, कहता है कि x की वैल्यू क्या होगी, अगर x की वैल्यू निकालने हो तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, हम देखो ये अगर बराबर है तो ये 7 नीचे आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, और यहाँ पे आप एलसीएम लेके लिखना डायरेक्ट 4x-3 लिखना, यानी कि 7 पर पावर 4x-3/4 और बटे 7। अभी थोड़ा लॉन्ग से बताता हूँ, अगर एग्जाम में बनाएंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते थे माइनस वन कर सकते थे, क्योंकि जब बराबर के दोनों तरफ अगर सेम रहे ना, और जब वो बटे में होता हो तो वो सूत्र में क्या होता है, ए टू द पावर एम बटे ए टू द पावर एन बराबर क्या होता है, एम माइनस एन, तो हम लिख सकते थे माइनस वन दे के यहाँ। लेकिन आपको थोड़ा सा पहले समझा लेता हूँ, तब करना उस तरह से। अब बराबर 7 पे पावर यहाँ पे लिख दो 2-2x, ऐसा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ 1-x दिया हुआ है, ये x है, तो इसके साथ भी गुना और इसके साथ भी गुना कर दिया। अब ध्यान से देख लो, अब ये जो बटे 7 है ना, इसके पावर 1 है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस 1, यानी कि 7 पर पावर 4x-3/4-1, ठीक है। पिछला सब क्वेश्चन आप अगर जानेंगे शुरू से जरूर देखिए, बार बार बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, या आई बटन का प्रयोग कीजिए, वहाँ पे इंडिसेस एंड सर्ट्स से नाम से आपका बना हुआ है, टोटल पार्ट आ जाएगा सगीर अहमद बुक का, एक एक क्वेश्चन बताया हूँ, कहीं स्किप नहीं किया हूँ। तो चलिए अगर आपको ये पता हो गया, क्योंकि ये ऐसा, क्योंकि ए टू द पावर एम बटा ए टू द पावर एन क्या होता है, ए टू द पावर एम माइनस एन, तो एम लिख दिया इसको और माइनस एन इसको मान लेते हैं, और बराबर लिख सकते हैं 7 पे पावर 2-2x। अब ध्यान से देख लो, इसके पास 1 है नीचे में, तो 4 और 1 कैल्सियम 4, जब बराबर हो आधार तो पावर बराबर कर लेंगे, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस 4 होगा तो माइनस 7 लिख सकते हैं, कैसे लिख रहे हैं ध्यान से देखना, 4x-7/4 बराबर 2-2x, इसका एलसीएम लेके काम कर लेना, 4 लेना तो 4x-3 हो जाएगा, और 1 है तो 1 से 4 को भाग 4 तो -4, तो देखो 4x-+4 3 7 4x-7/4 अब बराबर हो जाएगा उधर का पावर, क्योंकि आधार सेम है तो पावर लेके काम कर लिए। अब देखो ये वाला 4 को उधर गुना करेंगे तो इसके दोनों के साथ गुना हो जाएगा, ठीक है, तो 4x-7 और बराबर हो जाएगा 4 × 8 और माइनस 4 × 8x, ठीक है। x वाले टर्म को एक तरफ ले आओ, 4x+8x बराबर 8+7, ठीक है, 7 को इस बार ले गए और इसको इस बार ले गए, तो 12x बराबर हो गया 15, तो x बराबर क्या हो गया 15/12, इसको कटा लो 15/12 को, किससे कटाओगे, 3 से कटा लो, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, तो 5/4 आंसर हो जाएगा मेरा, और 5/4 बी नंबर आंसर है। तो काफी आसान क्वेश्चन है, आपको डरना नहीं इस तरह के क्वेश्चन को देख के। अब देखो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट रहता तो यहाँ पे सेकंड स्टेज पे ही आप क्या करते,
इसको डायरेक्ट आप बना सकते थे इस तरह से कि जब हमारा सात पर पावर, यहाँ पे ही सोचते हैं हम कि जब उधर सात है तो ये जब नीचे जाएगा तो इसका पावर एक है तो यहाँ पे माइनस एक होगा, ठीक है, और ये हमारा इस तरह से होगा। और यहाँ पे आप जान जाएंगे कि चार एक्स माइनस, देखो चार जब वन है ना तो यहाँ पे डायरेक्ट चार चला जाएगा, ठीक है, तो ये चार जाएगा तो माइनस चार, माइनस तीन तो माइनस सात हो जाएगा, और यहाँ पे चार इससे गुना होगा तो चार दुना आठ, माइनस चार चार दुना आठ एक्स, तो देखो माइनस आठ एक्स और इधर का इधर आएगा तो क्या होगा बारह एक्स, और वह उधर जाएगा तो क्या होगा पंद्रह एक्स, कटा लो तीन चौक बारह, तीन पच्चे पंद्रह, तो एक्स बराबर पाँच बटे चार, कहाँ समय लगेगा अगर आप इस तरह से सोच के बनाएंगे तो, ठीक है। अब इसकी ट्रिक अगर बात करें तो क्या हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन का ट्रिक, संभव है नहीं, आपका माइंड का यहाँ पे काम है तो माइंड से यूज करो और प्रैक्टिस रखो इस तरह के क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन की बात करें तो ये तो बिल्कुल आसान है, आप इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं और पहले भी बनाए हैं इस तरह के क्वेश्चन को। हम क्या बताए थे आपको, आपको कि देखो पांच पे पावर एक्स प्लस तीन लिखा है और बराबर दे दिया आपको 25 लिखा है, तो देखो जब 25 लिखा है क्वेश्चन में तो आप उसको डायरेक्ट पांच के रूप में मॉडिफाई करो, यानी कि पांच का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को, बिल्कुल लिख सकते हैं, और पर पावर दिया है कितना 3x-4, तो 3x-4 लिख लो, ठीक है, क्योंकि 25 पांच का स्क्वायर 25 होता है। अब क्या करो इसको दो से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना कर दो, ठीक है, और वो एक्स की वैल्यू तो मांगेगा ही। अब देखो ध्यान से, पांच पांच जब आधार बराबर तो पावर क्या होता है मेरा बराबर होता है, तो एक्स प्लस तीन बराबर तीन दुना छ एक्स और माइनस हो जाएगा चार दुना आठ। अब देखो छ एक्स को इधर लाओगे या फिर हाँ इधर ही ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस पांच एक्स हो जाएगा, और बराबर तीन को उधर ले जाओगे तो माइनस कितना हो जाएगा आठ तीन ग्यारह, माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या होगा एक्स बराबर ग्यारह बट्टा पांच आंसर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन में जान नहीं था, तो नाइन नंबर क्वेश्चन ग्यारह बट्टा पांच आपका सी नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर 10 की बात करें कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और इस तरह क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट छोड़ के आ जाता है एग्जाम से, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे बनाओगे जल्दीबाजी में। देखो यहाँ पे लिखा है ए पर पावर एक्स बराबर बी पर वाई बराबर दिया है सी पर पावर जेड, ठीक है, अगर ऐसा दिया रहे और बोल रहा है कि बी स्क्वायर और बराबर ए सी, ठीक है, ए सी हो तो वाई का मान क्या होगा, यानी कि ऐसा भी बोल रहा है इतना है तो वाई इक्वल टू वाट, हमको इतना बोला, जब भी ये बराबर रहे ना तो उसको क्या मानना के मान लेना, यानी कि ए पर आप इसको मान सकते हो, इसको माना माना डायरेक्ट यहाँ कर देता हूँ, और इसको मान लेना के। अब यहाँ पे एक बात समझो कि अगर हम के मान लिए, अगर हम इसको ए पर पावर एक्स बराबर के लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि के साथ यानी कि हम सभी को के माने हैं, इतना बराबर इतना बराबर इतना बराबर के, तो ए पर पावर एक्स बराबर के मान लिए। और एक चीज समझाता हूँ यहाँ पे, अगर कभी भी ए का स्क्वायर मान लिया रहता तो ये बराबर के इस पर अगर रूट स्क्वायर को भेजेंगे तो वो रूट चढ़ता, ठीक है, और मान लिया यहाँ पे रूट चढ़ता, या फिर वो चीज क्या होता है यहाँ पे अगर हमको इसको इस तरह भी लिख सकते हैं पर पावर हाफ, ठीक है, तो हम इसको क्या करते उस पर भेजेंगे तो क्या होगा ए बराबर के पर पावर वन बाय एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसी एक्स को बराबर के उस पार भेज रहे हैं तो वो हमारा करनी के रूप में जा रहा है, ठीक है, यानी कि एनवे घात के रूप में जा रहा है। फिर हम क्या करते हैं, बी पर पावर अगर वाई दिया हुआ है और अगर हम इसको के मानते हैं तो बी बराबर क्या लिख सकते हैं के पर पावर वन बाय वाई, ऐसा लिख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, सी पर पावर अगर जेड बराबर के मांगा है तो सी बराबर के पर पावर वन बाय जेड मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं। अगर मान सकते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पे बी का स्क्वायर रख देते हैं कि बी का स्क्वायर क्या है, बी पर पावर स्क्वायर दिया है ना, तो हम क्या इसको बी बराबर के पर पावर वन बाय वाई माने हैं ना, तो वहां पर लिख देते हैं यानी कि के पर पावर यानी कि बी के जगह पे, तो टू बटे इसके साथ गुना हो जाएगा दो दो बट्टे वाई यानी कि बी पर पावर, और बराबर ए का मान कितना है, तो ए का वैल्यू देख लो के पर पावर वन बाय एक्स है तो वन बाय एक्स लिख सकते हैं, ठीक, और इंटू लिख सकते हैं सी का वैल्यू क्या इतना है, सी का वैल्यू के पर पावर वन बाय जेड है तो हम लिख सकते हैं वन बाय जेड गुना में, ठीक। अब ध्यान से देख लो ये हमारा जो टर्म आ रहा है सारा चीज इस तरह से आने के बाद आप क्या करना इसका मान निकाल लेना, बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। देखिए तो हम क्या करेंगे इसको आसानी से बना सकते हैं, लेकिन b को माने क्या है, b पर पावर y को k माने हैं तो यहाँ पे k हो जाएगा, ठीक, और इसको भी k हो जाएगा। जब आधार बराबर हो तो पावर ले लेंगे और ये गुना में है तो क्या बदलेगा प्लस में, अगर हम इसको प्लस में बदल देंगे तो क्या होगा दो बट्टे y बराबर यानी कि उधर चला जाएगा जेड प्लस एक्स बट्टे
जेड एक्स, ठीक है। और हमको वाई बराबर निकलना है, तो वाई बराबर क्या निकल जाएगा, तो जब वाई निकलेगा इसके साथ जाएगा तो ऊपर ये चला जाएगा टू एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड, ये हमारा आंसर होना चाहिए। और ये दिया है टू एक्स जेड बटे एक्स प्लस जेड, क्वेश्चन नंबर डी नंबर ऑप्शन दिया है। तो इस तरह से वाई का मान निकाल लिया। क्या किए हम फिर से एक बार थोड़ा सा लॉजिक से बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन काफी आसान है, कुछ नहीं करना इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपको यहां से समझना होगा कि ये वाले टर्म जब हमारा जाएगा उस पार, ए पर पावर एक्स जब जाएगा तो हमारा ए बराबर क्या निकलेगा, के पर पावर वन बाय एक्स, ठीक है। और बी बराबर क्या निकलेगा, के पर पावर वन बाय वाई, ठीक है। और सी बराबर क्या निकलेगा, के पर पावर वन बाय जेड। कैसे ये होता है, तो हम बताए थे कि अगर कहीं पर भी पावर रहे, कुछ भी, जैसे स्क्वायर है तो वो उधर रूट चढ़ता है, या फिर हम उसको हाफ लिख सकते हैं इसे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे पावर के है, अगर पावर मंडी सॉरी एक्स है तो उस पर जाएगा तो हाफ लिख सकते हैं वन बाय एक्स, ठीक है, ऐसा होता है। तो अब क्या करेंगे, हमको बी स्क्वायर निकालना है ना, तो बी का मान है क्या, के पर पावर वन बाय टू है, तो क्या होगा, यहाँ पे देख लो बी बराबर है ए सी, इस पर रखेंगे तो के बी बराबर क्या दिया है, के पर पावर वन बाय वाई, तो हम लिख सकते हैं बी के जगह पे लिख सकते हैं के पर पावर वन बाय वाई, और टू ऑलरेडी पहले से तो गुना दो लगा दो, और बराबर ए का वैल्यू क्या है, के पर पावर वन बाय एक्स गुना, और क्या है के पर पावर, यानी कि सी का वैल्यू क्या है, के पर पावर वन बाय जेड। अब देखो दोनों तरफ के सब मैंने कि बराबर के इधर उधर है, के तो बराबर हो गया, अब क्या करेंगे इसको के, अच्छा चलो एक बार और लिख देता हूँ एक पॉइंट इधर, के पर पावर हो जाएगा टू बाय वाई बराबर हो जाएगा के पर पावर, ये गुना तो प्लस में हो जाएगा वन बाय एक्स प्लस वन बाय जेड। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ अगर बराबर मिल जाए तो टू वाई बराबर लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या नीचे आएगा एक्स जेड, और इधर जाएगा जेड और इधर जाएगा एक्स, यानी कि जेड प्लस एक्स, हमको इसके साथ गुना, इसके साथ गुना करोगे तो वाई बराबर क्या निकलेगा, पहले इसको लिख लेते हैं टू एक्स वाई बटे जेड प्लस एक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, कहीं दिक्कत नहीं था, ठीक है। सॉरी सॉरी यहाँ पे जेड है, सॉरी एक्स और जेड है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि जब वाई निकालेंगे तो क्या होगा टू एक्स जेड बटे जेड प्लस एक्स, ठीक है। यहाँ पे चला जाएगा इधर जेड और इधर चला जाएगा एक्स, ठीक है। तो आंसर है तो हाँ टू एक्स जेड बटे जेड प्लस एक्स, बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, आसान था, आप आसानी से बना सकते इस तरह क्वेश्चन। चलो चलिए 10 नंबर तक आज रखते हैं, कल की क्लास में 11 नंबर सवाल से देखेंगे, और बिल्कुल ही आसान मेथड से बताऊंगा आपको, बने रहिए हमारे साथ। अगर आप नए जुड़ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस करते तो जब जब मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप आसानी से देख सकते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं, सभी दोस्तों को धन्यवाद।